गुड इवनिंग सर। सो कल के लेक्चर में हमने पावर बीआई की जो विजुअल्स है उसका यूज करके कुछ एक रिपोर्ट स्टार्ट किया है बनाना, राइट। और कुछ डैक्स फंक्शन भी हमने कल देखे हैं। उसी रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं, साथ ही साथ कुछ डैक्स फंक्शन और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो कल हमने ये की पेज बनाए थे। लेट्स से मुझे अभी एक कार्ड बनाना है। लेट्स से एक कार्ड इन द सेंस की यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि एक जो प्रोडक्ट है मेरा, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी हो, ऐसा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है। मतलब ऑलवेज उस विजुअल पे जो प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी का होगा वो वहां पे हाईलाइट होगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज अ सिंगल वैल्यू, इसलिए मैं कार्ड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। सो मैं कार्ड फंक्शन ले रहा हूँ। इस कार्ड फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि कार्ड फंक्शन मुझे एक सिंगल वैल्यू देता है, ठीक है। तो इस कार्ड फंक्शन में लेट्स से यहाँ पे एक पैरामीटर मुझे पूछता है, वो फील्ड पूछता है कि यहाँ पे फील्ड्स के सेक्शन में जो भी फील्ड आप या कॉलम जो भी ड्रैग करोगे उसकी वो एक स्केलर वैल्यू देगा आपको। लेट्स से मैंने अगर कोई मेजर पुट किया तो उस मेजर की वो स्केलर वैल्यू देगा। लेट्स से मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी या रिटर्न परसेंटेज जो भी रहेगा मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सो इट विल गेट 2.13%। या मैं लेट्स से कस्टमर नेम, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का टेबल है, वहाँ से मैं फुल नेम का कॉलम उठाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एबी रेना देगा फर्स्ट फुल नेम। मतलब वो जो लिस्ट होगी कस्टमर की उसमें से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो फर्स्ट नेम होगा वो नेम मुझे वो देगा, क्योंकि कार्ड ऑलवेज रिटर्न सिंगल वैल्यू, दैट्स व्हाई मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया कि मुझे कार्ड विजुअल यूज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आउटपुट में ये चाहिए कि वो प्रोडक्ट का नाम चाहिए जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फील्ड में क्या लेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी लेंगे। जैसे मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को नहीं, सॉरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट का नाम देखना है, राइट। सो प्रोडक्ट के टेबल से हम पहले प्रोडक्ट के नाम को ले रहे हैं। मुझे प्रोडक्ट का नेम देखना है यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी वाला है। सो जैसे मैं प्रोडक्ट के नाम को इस फील्ड सेक्शन में ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैंने थोड़ा सा इसका फॉन्ट कम कर दिया, लेट्स से मेक इट 30, तो यहाँ पे मुझे अभी ये नाम दे रहा है कि ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, ठीक है। तो अगर मैंने लेट्स से पेज टू पे हम यहाँ पे इस टेबल में लेट्स से ये सब मैं निकाल लेता हूँ, और लेट्स से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम जो है वो एक टेबल में लेता हूँ, ठीक है। तो टेबल में देखो, अगर जैसे मैंने टेबल में लिया तो ये जो फर्स्ट आ रहा है अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आ रहा है ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ये फिलहाल ये प्रोडक्ट नेम एक टेक्स्ट कॉलम है, तो उसको वो क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके मुझे फर्स्ट जो रो है उसकी वैल्यू दे रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये फिल्टर पेन ऑप्शन जो है, तो बेसिकली ये फिल्टर पेन कब यूज होता है, आपको किसी विजुअल पे या इस पेज पे या सारे पेजेस पे कुछ फिल्टर अप्लाई करने हो तो ये फिल्टर पेन यूज होता है। यहाँ पे देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो फिल्टर ऑन दिस विजुअल, उसके लिए ये फील्ड है, आप ड्रैग करके यहाँ पे फील्ड डाल सकते हो, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। इन तीन कैटेगरी में आप कोई भी फील्ड ड्रैग करके डालते हो, जैसे मैंने अगर विजुअल लेवल पे डाली है तो उस विजुअल को ही वो अफेक्ट करेगी, मैंने अगर पेज लेवल पे डाली तो उस पर्टिकुलर पूरे पेज पे वो फिल्ट्रेशन होगा, अगर मैंने ऑल पेजेस के लिए डाली है तो सारे पेजेस के लिए होगा, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये फर्स्ट प्रोडक्ट नेम जो है, ठीक है, सो मैं इस फर्स्ट प्रोडक्ट नेम पे क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट नेम को इस विजुअल लेवल की फील्ड पे ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नेम को ड्रैग किया और फिल्टर ऑन दिस विजुअल की एड डेटा फील्ड की जो फील्ड थी ना, ये वाली एड डेटा फील्ड्स, उसमें ड्रैग करके डाला है।
मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम पे फिल्टर करना है। क्या फिल्टर करना है, लेट से मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो देखो यहाँ पे फिल्टर के टाइप आते हैं। इसको अगर ड्रॉप डाउन करूँ तो एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग एंड टॉप एंड फिल्टरिंग। बेसिक फिल्टरिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो जो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया अल्फाबेटिकली ऑर्डर से आया, लेट से मैंने इंस्टेड ऑफ दिस ये बाइक वॉश और केबल सेलेक्ट किया तो बाइक वॉश अल्फाबेटिकली फर्स्ट आया तो वो लेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए कि ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो उसके नीचे जो ऑप्शन है टॉप एन वाला, सो मैं उस टॉप एन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप एन मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड को अगर मैं सॉर्ट करूँ असेंडिंग डिसेंडिंग, तो टॉप मतलब सबसे ऊपर की जो रो रहेगी वो, और बॉटम मतलब सबसे नीचे वाली जो रो रहेगी वो। तो टॉप एन मतलब यहाँ पे मैं टॉप और बॉटम दोनों चूज कर सकता हूँ। लेट्स से आई पुट टॉप, मुझे टॉप वन ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, टॉप फर्स्ट वाला जो ऑर्डर क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर था इस मेजर को ये बाय वैल्यू की जो सेक्शन है इस पे पुट कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, ऐसा टॉप प्रोडक्ट जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे ये अभी दे रहा है आंसर कि वाटर बॉटल 30OZ, ये मुझे वो ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट। लेट्स चेक करते हैं कि ये जो आउटपुट दिया है हमने ये बराबर है क्या। दिस इज फॉर 2016 ईयर। पेज टू पे जाते हैं, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी को पुट करते हैं। मेरे पास अभी प्रोडक्ट का नाम है और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है। लेट से मैं इसको डिसेंडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 3402 ऑर्डर क्वांटिटी और सब्स का नाम है वाटर बॉटल 30OZ, ठीक है। इन द सेंस हमारा जो फिल्टर है वो फिल्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमें डिजायर आउटपुट वो दे रहा है। ये समझ में आ गया, ये कैसे किया हमने। हमने फिल्टर पेन का यूज किया है इसकी इसमें। फिल्टर पेन क्या करता है, फिल्टर पेन में हमेशा अगर कोई विजुअल को सेलेक्ट करते हो आप तो उस विजुअल पे फिल्टर अप्लाई करने कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पेज पे कर सकते हो या सारे पेजेस पे कर सकते हो। ये फिल्टर पेन का यूज होता है, आप उस पर्टिकुलर फील्ड को एज ए फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोडक्ट नेम की जो फील्ड थी, जो मैंने यहाँ पे कार्ड के फील्ड्स में सेक्शन में ली थी, सेम फील्ड मैंने उस विजुअल पे फिल्टर करके ऐड की है, तभी वो मुझे क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट नेम में से टॉप वन प्रोडक्ट फिल्टर करके दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, समझ गया, ये बोलो समझे कि नहीं समझे। एक बार रिपीट करो ना सर। मैं ये फिल्टर को हटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक तो समझे कि मैंने इस कार्ड विजुअल पे प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम था वो मैंने पुट किया है। तो अभी ये मुझे आउटपुट कैसे दे रहा था कि अल्फाबेटिकली स्टोर सॉर्ट कर रहा था उस प्रोडक्ट नेम के कॉलम को, और जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट था वो मुझे एज आउटपुट दे रहा था। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे हाई हो। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमें प्रोडक्ट नेम को ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग, जो डिसेंडिंग किया हमने तो टॉप का जो प्रोडक्ट रहेगा वो मतलब मेरा आंसर रहेगा। ये तो अंडरस्टैंड करते हो कि जैसे पेज टू में हमने ये मैट्रिक्स बनाया, इसमें हमने एक प्रोडक्ट नेम और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाला, और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने डिसेंडिंग सॉर्ट किया तो मुझे टॉप का प्रोडक्ट मिला कि जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है। यही सेम चीज मैं विजुअल लेवल फिल्टर ऐड करके इसमें कैसे कर रहा हूँ, पहले तो मैंने कार्ड लिया, जिस मुझे आउटपुट में प्रोडक्ट का नाम चाहिए तो मैंने वो फील्ड यहाँ पे फील्ड्स मिली, उसके बाद सेम फील्ड जो प्रोडक्ट नाम की फील्ड मैंने फील्ड भी ली थी, सेम फील्ड मैंने ड्रैग करके उस पर्टिकुलर विजुअल के विजुअल लेवल फिल्टर पे ऐड किए कि मैं ये जो फिल्ट्रेशन है बस इसी विजुअल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसीलिए विजुअल लेवल फिल्टर अप्लाई किया। अगर ये फिल्ट्रेशन में सारे प्रोडक्ट्स ये पूरे पेज के लिए अप्लाई करना चाहता तो मैं पेज लेवल फिल्टर पे वो फील्ड डालता यहाँ पे नीचे फिल्टर ऑन दिस पेज। अगर मुझे सारे पेज के लिए करनी थी तो फिल्टर ऑन ऑल पेजेस यहाँ पे डालता वो,
लेकिन मुझे बस उस पर्टिकुलर विजुअल पे ही वो शो करना है रिजल्ट, इसलिए फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यहाँ पे मैंने वो फील्ड डाली प्रोडक्ट नेम की, जो फील्ड यहाँ पे यूज किए फील्ड सेक्शन में। फिर ड्रैग ड्रॉप डाउन किया, इंस्टेड ऑफ बेसिक फिल्टरिंग आई सिलेक्ट टॉपियन। टॉपियन एक फिल्टरिंग का टाइप होता है, अगर मैंने टॉप सेलेक्ट किया हुआ है तो वो डिसेंडिंग करके टॉप का प्रोडक्ट देगा मुझे, अगर मैंने बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है तो डिसेंडिंग का जो बॉटम रहेगा वो मुझे देगा। सो टॉपियन में मुझे टॉप वन प्रोडक्ट चाहिए, टॉप फर्स्ट वाला प्रोडक्ट चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑर्डर क्वांटिटी। सो ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है उसको ड्रैग करके मैं ये बाय वैल्यू के सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ। इस फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, मुझे ऐसा प्रोडक्ट दो जो टॉप वन हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। जब मैं इस अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये फिल्ट्रेशन होके मुझे आउटपुट दे रहा है कि वाटर बॉटल 30OZ ये जो प्रोडक्ट है इसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब समझे? यस सर। ठीक है, इस फिल्टर पेन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। जैसे इसको अपन ये कैटेगरी लेबल इसका हटा देते हैं और टाइटल इसका ऑन करते हैं। टाइटल में मैंने इसको डाला जैसे टॉप प्रोडक्ट, और इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ओके, ये समझ गए। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें हमें ये निकालना है अभी, लेट्स से कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। अगर मुझे ऐसे निकालना हो कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, सेम वे से अगर मैंने इस पर्टिकुलर कार्ड में जैसे मैंने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी, अब मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं? यस करो, कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या किसका सर? अभी जैसे ये फर्स्ट विजुअल में हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, अभी मुझे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। सर हम जिसका सेल सबसे ज्यादा है वो ढूंढेंगे। हाँ, उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उसका, उसको ढूंढना है। प्रॉफिट के लिए हमने तो मेजर बनाया हुआ है, राइट? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का मेजर बनाया, टोटल प्रॉफिट में ढूंढेंगे हम डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो कैसे, क्या वे होगा? जैसे इसका मैंने प्रोसेस आपको बताया, तो उस वे से कॉपी करिए पहले, डुप्लीकेट कर लो। चलो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इधर रख दिया मैंने। ओके सर, तो इसके आप फील्ड में जाइए। यस सर, इसमें सर टॉप आपने लगाया, इसमें मेजर लगाइए, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को हटा के प्रॉफिट लगा दो, मेजर लगा दो, बस हो गया, टॉप वन कर दो, बस हो गया। करेक्ट, हो गया सर, एडिट कर लीजिए। बाय प्रॉफिट। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते समय ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी रिटर्न क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो कि जिसकी रिटर्न परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। आप ऐसे बना सकते हो, मल्टीपल कार्ड्स बना सकते हो, बॉटम्स का यूज करके भी देखो। जैसे फिल्टर पर में हमने टॉप यूज किया है, तो बॉटम यूज करके भी चेक करो कि क्या आउटपुट आते हैं। ठीक है, ये कार्ड विजुअल में फिल्टर कैसे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेन, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? सर इसके कलर वगैरह आपको कुछ अंदर डालना हो तो ऐसा इमेज टाइप से कुछ इसका इसके अंदर कलर डालने डाल सकते हो ना। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, अभी व्हाइट कलर है। जैसे मैं यहाँ पे
और इसकी थोड़ी जो ट्रांसपेरेंसी है लेट से थोड़ी बढ़ा देते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं इसको। ठीक लग रहा है ना ये? अभी लेट से इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर करके नीचे वाले को दे रहा हूँ तो उस कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट विजुअल देखते हैं हम, मैप विजुअल। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो भी मेरी टोटल सेल्स है ना, रेवेन्यू जो हमने निकाली थी, उस रेवेन्यू को कंट्री के हिसाब से प्लॉट करना है मैप के ऊपर। तो कैसे करेंगे, लेट्स से हम पहले मैप विजुअल लेंगे। ठीक है, लोकेशंस की फील्ड हमारे पास है कौन सी, कंट्री की, करेक्ट, टेरिटरी। यस, टेरिटरी के टेबल में कंट्री की फील्ड अपने पास है। तो मैं कंट्री की फील्ड ले रहा हूँ लोकेशन में। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैप फील्ड मैप विजुलाइज और नॉट एनेबल बता रहा सर। मैं एक डमी लाइसेंस से लॉग इन होगा तो मैप विजुअल नहीं दिखाएगा। बेसिकली ये एरर क्यों आता है, जब आप मैप विजुअल यूज करते हो और उस मैप विजुअल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इनेबल करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती है आपकी कंपनीज में, राइट, तो वो थर्ड पार्टी जो एप्स होते हैं या एपीआईज होते हैं उनको परमिशंस नहीं देते उनके डोमेन में आने के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस बनी रहती है, इसलिए मैप विजुअल्स वगैरह दिखते नहीं है। तो ये हमें फिर उस पर्टिकुलर क्लाइंट के या अपनी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से बात करके उनको बोलना पड़ता है कि ये जो मैप विजुअल्स है ये शो नहीं हो रहे तो आप इसको इनेबल कर दो करके, तो ये इनेबल कर देते हैं हमारे लिए। बट बेसिकली हमारा काम नहीं होता ये आईटी वाले जो सिक्योरिटी का पार्ट हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी का, वो इनेबल करके देते हैं हमें ये। ठीक है, अच्छा भाई ये पॉइंट आ गया। ये भी है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप क्लाइंट के लिए रिपोर्ट तो बना देते हो बट वो रिपोर्ट से लेट से मैप विजुअल आपने यूज किया हुआ है लेकिन क्लाइंट को वो मैप विजुअल यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके आएगा कि इनेबल नहीं किया हुआ है, ऐसे समथिंग कुछ, तो उसको हमें बोलना पड़ता है कि आप अपने आईटी डिपार्टमेंट में कंसर्न करो और ये जो इनेबल्स करने के लिए बोलो उनको। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेते हैं हम कंट्री है। कंट्री लेते हैं और उसके बाद हम जी अभी ये इनेबल हो गया, अभी दिख रहा है मैंने लोकेशंस में कंट्री लिया है और लेट से जो बबल साइज है बबल साइज में लेते हैं। इनेबल कैसे हुआ सर? मैंने वही तो बोला ना अभी कि मैंने जो लॉगिन किया था वो एक डमी लाइसेंस से लॉगिन किया था, तो डमी लाइसेंस मतलब मैंने एक लाइसेंस ऐसे ही एक डमी टेस्ट मेल थ्रू एक लाइसेंस क्रिएट किया था और उसके थ्रू मैंने लॉगिन किया था, तो वो एक डमी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रहा था और ऑर्गेनाइजेशन में वो मैप्स को इनेबल नहीं करता बाय डिफॉल्ट, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने मेरे खुद की ऑर्गेनाइजेशन पे लॉगिन किया अपने जो मेरा लाइसेंस है पावर बी आई का उससे, तो अभी ये इनेबल हो गए। ठीक है, वही मैंने बताया ना कि कभी कभी ये जो मैप विजुअल होता है ये मैप विजुअल आप, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको जब आप रिपोर्ट बना रहे होगा तब दिख रहा होगा क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको इनेबल किया होगा। कभी कभी ये रिपोर्ट आप जब क्लाइंट को देते हो तो उस क्लाइंट के
डोमेन में ये मैप विजुअल्स शो नहीं करता, जैसे अभी विंडो आ रहा था कि इनेबल आप करो उस मैप विजुअल को, वैसे एक एरर आता है तो वो एरर आपको उनकी जो आईटी टीम होती है उस क्लाइंट की, उनको वो बताना पड़ता है कि आप आपके डोमेन की जो सर्वर्स की जो फायरवॉल होती है उसमें से उसको इस एपीआई को या इस जो पर्टिकुलर मैप है इस मैप को, ये बिंग मैप पे काम करता है बेसिकली, बिंग BING बिंग मैप जो होता है उस पे ये विजुअल्स काम करते हैं। तो उस मैप सपोज अभी सर हम अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं और सेम एरर आया तो मैं किसे बोलूं फिर? नहीं बोल सकते ना, तो कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ओके मोस्टली नहीं आता है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर नाम से साइन इन नहीं करते ना, आपने अभी कोई साइन इन किया नहीं होगा वहां पे, साइन इन नहीं ना आपका अभी। ये पावर बी आई डेस्कटॉप का स्क्रीन जब आप ओपन करते हो तो विदाउट साइनिंग ही यूज करते हो ना, वो आपको एरर नहीं आएगा, आप मैप यूज करेगा तो नहीं आएगा एरर। वो मैंने अभी नहीं सर, एरर आता है, एरर आता है, हाँ एरर आता है, वो आपकी कंपनी सब में मेल डाक बिल डालने की बात भी नहीं, वो ओपन नहीं होगा, तो कुछ होगा सेटिंग, वो आपके सिस्टम की फायरवॉल का कुछ सेटिंग होगा, वो देखना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होता है कि जो आईटी डिप कंसर्न होता है ना अपना, वो इसको इश्यू को सॉर्ट आउट करके देता है। सो लेट्स से मैंने कंट्री डाला है लोकेशंस की फील्ड में और बबल साइज में मैं रेवेन्यू को पुट कर रहा हूँ। तो इसको अगर फुल स्क्रीन में देखा हूँ तो ये पर्टिकुलर उस कंट्री का मुझे सेल दे रहा है। अभी ये जो इसके दिख रहे हो वो जो डेसिमल प्लेसेस है वो बहुत सारे दिख रहे हैं राइट, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टोटल रेवेन्यू को आप यहाँ पे जो परसेंटेज है इसमें, लेट्स से मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस 2 को रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ, तो देखो अभी 2-2 ही दिखाई देंगे। समझ गए ये मैप यूजर पे कैसे किया, लोकेशंस एंड बबल साइज पे हमने पुट किया क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमारे पास नहीं है, अगर वो रहेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हो जो फील्ड्स दी हुई है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के लिए उसके लिए, ठीक है। और ये लेजेंड्स जो होता है, लेजेंड्स किस लिए होता है, लेट्स से मैंने अभी यहाँ पे कैटेगरी नेम जो है, कैटेगरी नेम मैंने पुट किया है यहाँ पे, से कैटेगरी नेम लेजेंड्स पे पुट किया। तो अभी देखो ये लेजेंड्स एक्सेसरीज बाइक्स एंड क्लोथिंग, तो ये देख रहे हैं आप ये जो सर्कल था ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो एक्सेसरीज देन बाइक्स क्लोथिंग के लिए वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा है, बट मैप में वो देखना थोड़ा सा, लेट्स से इसको थोड़ा ज़ूमिंग करके देखते हैं, बट वो सर्कल्स उतना ही रहेगा। बेटर वे लेजेंड्स को ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते मैप्स में, हम बस लोकेशंस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स एंड बबल साइज इतना ही ऑप्शन यूज करते हैं, और मोस्टली टूल टिप्स अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखानी है जैसे मुझे टोटल सेल के साथ रिटर्न एंड प्रॉफिट भी दिखाना है तो मैं वो फील्ड टूल टिप्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो और उसमें और जो ऑप्शन है उसमें डाक डाल के क्या आउटपुट आता है देख सकते हो। अगेन फॉर्मेटिंग्स में आप कलर्स वगैरह जो है बबल्स के कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हो, मैप सेटिंग जो है जैसे ये स्टाइल है रोड है अभी तो इसको ग्रे स्केल वगैरह जो है मैप वगैरह ऐसे चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे आप व्यू लेके चेक कर सकते हो वेरियंस वगैरह। कंट्रोल्स में जूम जूम इन बटन वगैरह वो ऑप्शंस होते हैं, देन बबल सर स्काई ब्लू जो आ रहा है इसके अंदर में बेस कलर का, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? ये वाला जो आ रहा है वो नहीं नहीं जो बेस इसका आ रहा है स्काई ब्लू पूरा मैप के अंदर, हाँ ये डिफॉल्ट होता है जैसे उनकी जो स्टाइल दी हुई ना इन्होंने, जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं ये स्टाइल जो है रोड है राइट, अभी इस रोड इस कलर को नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो विजुअल उन्होंने यूज किया हुआ है ना, तो इस रोड स्टाइल के लिए उन्होंने ये यूज किया हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते इस कलर को। आप थीम चेंज कर सकते हो कि आप मैप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं एरियल ले रहा हूँ डार्क ले रहा हूँ
तो आप आपके हिसाब से थीम चेंज कर सकते हो, बट उसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कैटेगरी लेबल्स ऑन किए तो वो नाम दिखाएगा, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अच्छा नहीं लग रहा सर, ये डबल बुला रहा है तरीके से, यूनाइटेड स्टेट। हाँ ये बेस्ट है। देन यहाँ पे देखो एक हीट मैप करके भी ऑप्शन आता है, जैसे मैंने इस हीट मैप को अगर ऑन कर दिया तो बेसिकली ये जो सर्कल्स रहेंगे ना, वो सर्कल्स एक जैसे हीट मैप होता है ना, हीट मैप बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ पे वो मैं चीज़ें एकदम डार्क कलर में दिखाता है, और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम कम होता है उस फील्ड का, वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन या कलर उसका फेंट होता है। बेसिकली हीट मैप देखे होंगे ना आपने, हीट मैप पता है आपको? यस सर। तो ये हीट मैप का ऑप्शन भी इस मैप में है इनबिल्ट, बट मोस्टली हीट मैप अगर मैं करता हूँ ना तो हीट मैप इतना कुछ इफेक्ट नहीं देता है यहाँ पे, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बट इस केस में हीट मैप का कोई मतलब नहीं बनता बना के। मुझे तो बस पर्टिकुलर कंट्रीज वगैरह हाईलाइट करके उनकी सेल्स दिखानी है, तो हीट मैप यहाँ पे अगर मैंने ऑन भी किया तो देखो वो एकदम ऐसे दिखेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स तो दिख भी नहीं रहे मुझे उस, क्योंकि पीछे का जो कलर है वो भी सेम ही है, राइट। इसे एरियल करके देखते हैं तो ये देखो थोड़ा सा ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, इसमें कुछ इतना ठीक से दिखाई नहीं देता है। बेटर वे क्या, हीट मैप को ऑफ करके विजुअल्स को देखें। और ये दो जो स्पेस बची है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ स्लाइसर्स डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कंट्री का स्लाइसर पुट करता हूँ, मैं स्लाइसर्स पे गया, डालता हूँ मैं कंट्री की फॉर्मेटिंग जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। पे कुछ फिल्ट्रेशन लगा है क्या? नहीं, और स्लाइसर्स में एक और होता है कि हम डेट की जो रेंज है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डेट रेंज को हम बिटवीन जो होती है हमारे पास एक, कि हम कुछ रेंज दे सकते हैं बिटवीन दिस पर्टिकुलर डेट टू दिस पर्टिकुलर डेट, तो वैसे एक स्लाइसर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर क्लाइंट को किसी एक पर्टिकुलर डेट से लेके इस एक पर्टिकुलर डेट तक ऐसे बीच का रेंज का अगर उसको चेक करना रहेगा डेटा, तो वो उस हिसाब से देखिए। इसलिए अपन क्या करते हैं सिंपली डेट को ड्रैग कर लेते हैं फील्ड्स में, वो देखो यहाँ पे वो एज अ दो ऑप्शन दिखाई के लिए 2015 से लेके 17 तक का वो डेटा दिखा रहा है, तो मैं इस बीच की रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अंडरस्टैंड है आपको, समझ में आ गया? ये मैं जस्ट स्लाइसर से ऐड किया है बस, तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा डैक्स एक बार और देख लेते हैं। जैसे अपन ने ये विजुअल्स में कल कैलकुलेट फंक्शन में एक डेट एड टैक्स देखा था, जो हम बेसिकली प्रीवियस ईयर का अगर मुझे डेटा देखना है तो हम डेट एड फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो वैसे और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस है जैसे टोटल वाईटीडी, टोटल हाईलाइट करो ना। हेलो, ये डेट का हाईलाइट करो ना, बहुत ही वाइट दिख रहा है, ब्लैंक ये वाला। करते हैं बाद में, पहले
टॉपिक को कवर कर लेते हैं बाद में, वो फॉर्मेटिंग है नॉर्मल, वो तो कर सकते हो आप लोग भी, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो डेट ऐड फंक्शन हमने कल देखा, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, तो उस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस है, जैसे YTD, QTD, MTD, ये तीन फंक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट। तो ये कंसेप्ट आपने कभी सुनी है, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट एंड मंथ टू डेट? ये यस सर, मतलब क्वार्टर तक से तक का दिन तक को रिकॉर्ड ऐसा कुछ होगा। बताओ एक बार फिर से बताओ, क्या क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आई प्रॉपर्ली। सर मंथ आपने बोला ना, मंथ इनटू क्वार्टर टू डेट आपने बोला, क्वार्टर टू डेट तो मतलब क्वार्टर से स्टार्ट होते हुए अभी आज का दिन तक। तो लेट्स से अगर हम एक ईयर को पकड़े, जैसे जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है, दिसंबर को खत्म होता है, तो अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं, तो लेट्स से मैं 1 जनवरी से लेके लेट्स से 21st of October, ये एक डेट ले रहा हूँ, 1 जनवरी से लेके 21st of October, तो मेरा ईयर टू डेट क्या रहेगा, 1 जनवरी से लेके 21st of October तक। लेकिन मेरा उसी टाइम पे, मैं आपको उससे बेटर है मेजर से हम पर समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक मेजर बनाते हैं, लेट्स से उसको बोलते हैं YTD रेवेन्यू, ठीक है। अपने पास एक फंक्शन है पावर बी आई में टोटल YTD करके, दिख रहे टोटल MTD, QTD एंड YTD। तो मैं टोटल YTD, मुझे ईयर टू डेट सेल निकालना है, तो टोटल YTD डायरेक्टली फंक्शन है। फंक्शन में मुझे वो पूछता है कि एक्सप्रेशन कौन सा है, सो मैं टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ ईयर टू डेट बेसिस पे, सो आई एम पुटिंग टोटल रेवेन्यू एंड देन सेकेंड आई एम पुटिंग कैलेंडर की डेट। ये दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ और मैं एंटर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स से इसको अभी एनालाइज करते हैं टेबल्स विजुअल में, क्या आउटपुट आया है। से मैंने डेट लिया यहाँ पे, ठीक है, और जो हमने टोटल रेवेन्यू लिया था हमारा पहला वाला मेजर, दिस टोटल रेवेन्यू, ये मुझे हर एक मंथ का रेवेन्यू बता रहा है, एंड YTD रेवेन्यू एक ले लेते हैं। इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको इस वाले मेजर में और इस वाले मेजर में? कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों में, टोटल रेवेन्यू और YTD रेवेन्यू में, लेकिन क्या ऐड होता हो जा रहा है आगे तो, राइट, ऐड होते जा रहा है, क्यूम्युलेटिव दे रहा है, करेक्ट। जैसे ये 585 है और ये फरवरी का 532 है, तो यहाँ पे वो 1117 दे रहा है, मतलब पहले वाले में सेकंड को ऐड कर रहा है फिर आउटपुट दे रहा है, फिर सेकंड में थर्ड को ऐड कर रहा है फिर ये आउटपुट दे रहा है, राइट। तो ये क्यूम्युलेटिव रनिंग दे रहा है मुझे, कहाँ तक दे रहा है ये देखो, ये दिसंबर तक दे रहा है, समझ रहे हो, ये मुझे दिसंबर तक दे रहा है। अगेन 1 जनवरी से अगेन वो सेम, देखो ये जनवरी का और जनवरी का सेल सेम है, अगेन एडिशन करना उसने स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक करेगा, अगेन दिसंबर तक करेगा, वापिस से जनवरी से वो अलग से स्टार्ट करेगा, फिर से एडिशन करना, ठीक है। सो ईयर टू डेट में मतलब वो पूरे साल का लेगा, लेट से आज अगर मैं आज की डेट पकड़ू, मैं अगर 27th of January पकड़ू मैं, तो ईयर टू डेट सेल कितना क्या हुआ मेरा, 1 तारीख से लेके 27 तारीख तक आज तक का जितना सेल हुआ वो मेरा ईयर टू डेट हुआ सेल, ठीक है। अभी एक ही महीना हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि 27 डेज ही हुए, फिर भी 1 जनवरी से काउंटिंग होगा, और लेट से अगर फरवरी महीना होता तो भी 1 जनवरी से काउंट होगी, उस पर्टिकुलर डे तक, करंट डेट तक जितना सेल हुआ होगा वो YTD में आएगा, और वो कम्युलेटिव एडअप करता चलेगा, आपको जो आउटपुट मिलता जाएगा वो एडअप करता चलेगा, कहाँ तक करेगा वो, टिल दिसंबर तक, ठीक है, ईयर टू डेट समझे। समझे कि नहीं समझे सर, ये प्लस किसमें किसमें किया, फर्स्ट जैसे कि अपना 5 करोड़ व्हाटएवर जो 5 लाख, वो उनके साथ में फरवरी को ऐड किया। हाँ मतलब अभी देखो,
अगर मुझे ये 2015 का जनवरी का 585312 दिख रहा है सेल, राइट, तो YTD रेवेन्यू का भी देखो, फर्स्ट जो सेल दिख रहा है ये दोनों सेम ही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू जो मेरा मेजर था वो मुझे फरवरी का अलग से सेल निकाल के दे रहा है ना, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, अप्रैल का अलग, वो उस सेल को क्या कर रहा है YTD रेवेन्यू में, उसको ऐड करके मुझे ये फिगर दे रहा है। जैसे 1117 जो आ रहा है वो 1117 फरवरी का जो सेल रहेगा वो ऐड करके आया हुआ फिगर है। अगेन इस फिगर किसका में इसमें ऐड हुआ, फर्स्ट फर्स्ट वाले रॉ से इसमें ऐड हुआ फिर मार्च अप्रैल में। ये जो फर्स्ट वाला जो टोटल रेवेन्यू का हमारा फर्स्ट मेजर था, हमने जो समेक्स फंक्शन करके यूज किया, राइट, ये बनाया था हमने, तो ये हमें क्या कर रहा है, हर एक मंथ का सेपरेट सेपरेट सेल दे रहा है ना, कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, मार्च में कितना था, ऐसे इंडिविजुअली उस मंथ का मुझे सेल दे रहा है ये। लेकिन वाइट कौन सा कौन नंबर पे ऐड हो रहा, कौन सा नंबर पे ऐड हो रहा इसमें, कहीं पे ऐड नहीं हो रहा है, टोटल रेवेन्यू ये इंडिविजुअली दे रहा है सेल आपको, इसमें कहीं कुछ इसमें एडिशन नहीं है। एडिशन जो आपने अभी YTD मेजर बनाया टोटल YTD फंक्शन से, उसमें कम्युलेटिव हो रहा है वो। मैं आपको कंपैरिजन क्या करने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे टोटल रेवेन्यू में मुझे जनवरी का सेल मिला, उस जनवरी की सेल मैंने YTD रेवेन्यू में भी मुझे सेम मिला, लेकिन फॉर द फरवरी सेल, फॉर द फरवरी मंथ उसने मुझे आउटपुट दिया 1117। इस 1117 मतलब दिस 585312.69 में फरवरी का जो सेल था 532226.28 ये ऐड हुआ एंड देन ये आउटपुट मुझे दिया उसने। ये टोटल रेवेन्यू का जो मेजर था ये मैंने इसलिए रखा था कि आपको पता चले कि ये कम्युलेटिव टोटल हो रही है दिसंबर तक, ये दिसंबर तक ऐड करता चलेगा, उसके बाद जनवरी से अगेन वो वापस से फर्स्ट जनवरी से अगेन वो जनवरी का सेल जो रहेगा वो ले लेगा, और आगे के जो मंथ के सेल रहेंगे इंडिविजुअली वो ऐड करता चला जाएगा दिसंबर तक, समझे। अगर मैंने इस यहाँ से टोटल रेवेन्यू को निकाल दिया इस मेजर से तो आउटपुट तो वही रहेगा, बट आपको ये समझ में नहीं आता ना कि ये जो एडिशन हो रहा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे जनवरी का 585 दिख रहा है और फरवरी का 1117 दिख रहा है, बट एक्चुअल फरवरी का 1117 है क्या, नहीं, उसका कुछ 5 समथिंग कुछ था, राइट, जो फरवरी का सेल है वो सेल इसमें ऐड होके ये फिगर आई है 1117538। अगेन मार्च की जो सेल की फिगर रहेगी वो इसमें ऐड हुई है तभी ये 17 आया है, ये दिसंबर तक इसने ऐसे ऐड किया, तो दिसंबर की जो लास्ट फिगर रहेगी 6404 वो आपका टोटल सेल रहेगा 2015 का 6404933। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो फॉर्मूला दिखाइए आपने क्या लगाया उसमें। फॉर्मूला सिंपल है, जस्ट ऐसा देखो, टोटल YTD टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया मैंने, कैलेंडर डेट का रेफरेंस दिया हुआ, बस एक्सप्रेशन एंड डेट। ठीक है, सेम वे जैसे YTD रेवेन्यू है तो मैं QTD रेवेन्यू अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ईयर टू डेट सेल को कैलकुलेट किया था, मैं क्वार्टर टू डेट की सेल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर से नया मेजर ले रहे हैं, न्यू मेजर, सेम मेजर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ YTD आई जस्ट पुट QTD, एंड ये जो टोटल YTD फंक्शन है इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल QTD जो फंक्शन है ये वाला, हमने YTD यूज़ किया, अभी क्वार्टर टू डेट सेल का देखते हैं, अंदर का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, टोटल रेवेन्यू कैलेंडर टीम की डेट, इंटर कर रहा हूँ, और इस QTD रेवेन्यू का हम ये वाले टेबल में ऐड करते हैं। जैसे मैं टोटल रेवेन्यू का भी इसमें रख रहा हूँ ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, और दिस QTD रेवेन्यू को भी हम YTD रेवेन्यू की साइड में रख देते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि हम टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू का अगर मैंने देखा तो इंडिविजुअली मंथ का मुझे सेल मिल रहा है, QTD को देखा तो मेरे एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, एंड सो ऑन, 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो कम्युलेटिव है वो कम्युलेटिव अभी क्वार्टर तक ही होगा, जैसे 585 देन 1117 देन 17, ये देखो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रैल महीने के लिए अगेन उसने अप्रैल का जो सेल था वो दिखाया यहाँ पे,
फिर मई का कम्युनिटी किया, जून का ऐड किया, अगेन जुलाई के लिए सेम दिखाया, फिर अगस्त और सितंबर का ऐड किया, अगेन अक्टूबर के लिए सेम दिखाया। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये YTD में जो जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर तक वो कम्युनिटी कर रहा था, अभी वो जनवरी से स्टार्ट होके क्वार्टर वाइज कम्युनिटी कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस ये YTD और QTD में क्या है। यस सर। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है मंथ टू डेट का। जैसे मैंने अगर से इसको कॉपी करके यहाँ पर लेते हैं, डे भी रख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, और ये टोटल रेवेन्यू, अभी टोटल रेवेन्यू मुझे डे लेवल से दिखा रहा है, क्योंकि डे को मैंने अगर ऐड किया हुआ मैट्रिक्स में, तो 1st ऑफ जनवरी को कितना सेल था, 2nd ऑफ जनवरी को कितना सेल था, 3rd ऑफ जनवरी को कितना सेल था, ऐसे वो दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं अभी एक नया मेजर बना रहा हूँ एम मंथ टू डेट का। मंथ टू डेट मतलब वो डे को कंसिडरेशन मिलेगा ना, कि कितने डेज है। सो लेट से बनाते एक मेजर फॉर टोटल MTD के लिए, इसी मेजर को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बनाते हैं मंथ टू डेट रेवेन्यू। फंक्शन है टोटल MTD, एक्सप्रेशन रहेगा टोटल रेवेन्यू, डेट डेट्स में आएगा कैलेंडर की डेट। इस मेजर को मैंने मंथ टू डेट को अगर इस रेवेन्यू के इसमें ऐड किया, तो देखो अभी यहाँ पे वो डे लेवल पे उस पर लेट से जनवरी का महीना 1st से शुरू होके खत्म हो रहा है 31st तक, तो ये जो कम्युलेटिव है ना वो डे लेवल पे कम्युलेटिव करेगा। वो जैसे 8351 फर्स्ट को था, उसके बाद सेकंड को कुछ 14,000 था, तो 14,000 प्लस दिस 8351 मिला के हुआ 22। ठीक है, अगर मैंने MTD को ये वाले इसमें डाला जिसका मैंने मंथली बेसिस पे किया है ना, तो टोटल रेवेन्यू और वो सेम ही दिखाई देगा। मैंने ये टेबल बनाया है इसलिए है ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके कि अगर मैंने ये साइड वाला जो टेबल है जिसमें मैंने ईयर क्वार्टर और मंथ रखा था, और इसी अगर मैट्रिक्स में मैंने मंथ टू डेट के रेवेन्यू को डाला, मंथ की डेट को जो कैलकुलेट किया हमने उसको अगर मैंने डाला इसको, तो आप देखोगे ये जो आउटपुट है ना ये दोनों का सेम दे रहा है, मंथ टू डेट रेवेन्यू एंड ये टोटल रेवेन्यू, बराबर सेम ही आउटपुट दे रहा है। क्योंकि क्यों सेम दे रहा है, क्योंकि मंथ टू डेट रेवेन्यू क्या कैसे होता है, उस पर्टिकुलर मंथ में 1 तारीख से लेके करंट तारीख तक का कितना सेल हुआ। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये साइड वाले मैट्रिक्स पे ईयर क्वार्टर मंथ के साथ डे भी रखा हुआ है, ताकि जो रेवेन्यू हो वो डे लेवल पे हमें पता सके कितना है, और फिर मंथ टू डेट का रेवेन्यू का हमने अगर यहाँ पे कंपेयर किया तो वो दिखाएगा कि ये कम्युलेटिव रनिंग, ये कम्युलेटिव टोटल हो रहा है। ठीक है, ये कम्युलेटिव ऐसे टोटल हो रहा है, समझ में आ गया। मैंने ये मंथ टू डेट का जो मेजर था ये डे लेवल की हेरार्की ऐड करने के बाद यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया आपने। अगर मैंने इसी लेवल पे कंपेयर किया जहाँ पे डे नहीं है बस मंथ है, तो मंथ टू डेट रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि मंथ टू डेट जो रहेगा वो डे बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ना कि क्योंकि यहाँ पे आप तो मंथली बेसिस पे ही उसको शो कर रहे हो, तो दैट्स वाई शोइंग टोटल, उस मंथ का टोटल कितना है, पर डे लेवल पे देखा तो वो कम्युलेटिव दिखाएगा मंथ टू डेट। ठीक है, समझ गए। जब आप ये मेजर खुद बनाओगे और मैट्रिक्स में उसको एनालाइज करोगे तो बेटर अंडरस्टैंड करोगे। इससे ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, सिंपल है कि ईयर टू डेट जो रेवेन्यू होता है
मान लो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू होता है तो ईयर टू डेट हम जो कंसेप्ट बोलते हैं कि एक तारीख से लेके या जनवरी से लेके दिसंबर तक का, दिस इज माय ईयर टू डेट। तो अगर मान लो कि आज की तारीख, लेट से अब आज ये महीना चल रहा होता, लेट से नवंबर का महीना चल रहा होता ये, ऐसे कंसिडर करके चलो, तो और नवंबर की लेट से 22nd ऑफ नवंबर ये डेट होती, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि मेरा ईयर टू डेट सेल कितना है, तो आप कैलकुलेट कहाँ से करते, कहाँ से करते कैलकुलेट? अगर आज की डेट ऐसे पकड़ लो कि 22nd नवंबर है और मैंने आपको पूछा कि मुझे ईयर टू डेट सेल निकालना है, तो डेट कहाँ से लोगे आप? सर ईयर से स्टार्ट, जनवरी से। यस करेक्ट, फर्स्ट ऑफ जनवरी से शुरू करोगे सेल्स को मेजर करना टिल 22nd ऑफ नवंबर तक, ये आपका ईयर टू डेट का सेल होगा, टोटल सेल। अगर मैंने आपसे पूछा कि 22nd नवंबर है, मुझे क्वार्टर टू डेट सेल बताओ, तो आप कौन सी डेट लोगे? सर लेंगे सर मार्च जो वाला होता है, कौन सा अक्टूबर है ना लास्ट वाला क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, तो ये वाला लेंगे फर्स्ट ऑफ अक्टूबर राइट, क्योंकि किस क्वार्टर में है वो मंथ, लास्ट के फोर्थ क्वार्टर में, उसका क्वार्टर कहां से शुरू हो रहा है, अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से लोगे 22nd ऑफ नवंबर तक, वो होगा आपका क्वार्टर टू डेट का सेल। और अगर मैंने मंथ टू डेट का सेल पूछा आपको कितना है, मंथ टू डेट का सेल कितना है 22nd नवंबर के लिए, तो फिर नवंबर से स्टार्ट होगा राइट, फर्स्ट ऑफ नवंबर से 22nd ऑफ नवंबर तक, ये होता है ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट। वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, बस जो मेजर्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहे हैं ना, अभी जैसे मेरे पास ऑलरेडी 15, 16, 17 की सारे मंथ का डेटा है, इसलिए वो कम्युनिटी करते करते आपको शो कर रहा है डेटा। ऐसे कंसिडर करो कि मेरे पास अगर सिर्फ 22nd ऑफ नवंबर तक का ही डेटा होता, तो ईयर टू डेट के सेल तक का आपको यहाँ पे नवंबर दिखता, और उस पर्टिकुलर नवंबर के सामने यहां से लेके यहां तक एडिशन करके जो अमाउंट आएगा, ये आपका ईयर टू डेट सेल ही रहेगा ना, राइट? समझ में आ रहा है? अगर आपको ईयर टू डेट सेल निकालना है, तो सारी को आप समेशन करते ही चलोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, कंसेप्ट क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना इसमें, अभी भी किसी को क्लियर yes. नहीं है ये सर, हमने जो ये मेजर बनाया इसका काम क्या है सर, मतलब सर करेंगे क्या सर इस मेजर से? मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी अगर मुझे ईयर टू, अभी जैसे टोटल रेवेन्यू का जो मेजर है, ये टोटल रेवेन्यू का मेजर आपको ईयर टू डेट का सेल नहीं देगा ना। मान लो टोटल रेवेन्यू का जो मेजर है ये, तो एक आप तो वो लेट से मैंने अगर यहाँ पे लेट से कंसिडर करो, मैंने 2015 सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, 2015 सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और मैंने आपको पूछा कि मुझे मैट्रिक्स विजुअल में, लेट से मैं अभी इस वाले विजुअल को और इस वाले विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ठीक है, मैंने 2015 और ये जो बाकी की जो है, लेट से इसको निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यूटीडी को निकाल लेते हैं, मंथ टू डेट करके देते हैं, और लेट से टोटल रेवेन्यू कर देते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स विजुअल में मैंने आपको बोला कि लेट से ऐसे कंसिडर करके चलो, यहाँ आपके पास अक्टूबर तक का ही डेटा है, ठीक है, अक्टूबर तक का ही डेटा है, इस टोटल रेवेन्यू में जैसे अभी ये 64,04,933.9 आ रहा है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको अभी कैसे शो कर रही है, हर एक इंडिविजुअल मंथ की शो कर रही है ना, दिसंबर तक राइट, लेट से जनवरी टू दिसंबर मुझे हर एक मंथ की दे रही है, और लास्ट में मुझे बोल रही है कि 6404 ये मेरा टोटल सेल है सभी मंथ का मिला के। अगर मैंने आपको पूछा कि जुलाई महीने तक मेरा सेल कितना हुआ था टोटल, इस जुलाई महीने तक मेरा सेल टोटल कितना हुआ था, यहां से आप बता सकते हो? यस सर, कम्युलेटिव सम लगा देंगे सर वही वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? लेट से मैंने अगर YTD का इसमें ऐड कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि हाँ जुलाई तक मेरा सेल हुआ था 42,29,768, करेक्ट? यस सर, तो
इसलिए इस मेजर की जरूरत है, ये तो आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता सब कैलकुलेटर पे कि इसको ऐड करो फिर इसको ऐड करो फिर इसको ऐड करो जुलाई तक, बराबर ना? That's why those measures are required. हमें जब एनालिसिस करना होता है तो हम तो कैलकुलेटर को साथ में रख के एनालिसिस नहीं करेंगे ना, राइट? हमें मेजर्स में ही उसको कैलकुलेट करके आंसर देना पड़ेगा, तभी पावर बीआई समझेगा कि हमें क्या आउटपुट में चाहिए और क्या नहीं चाहिए, करेक्ट ना? सर सर एमटीडी से सर एक बार कंपेयर करिए क्या वैल्यू आती है देखते हैं सर यहां पे वाइट ना सर करके देखिए एक बार क्या आती वैल्यू एमटीडी की सेम ही आएगी ना क्योंकि आप मैंने जो मैट्रिक्स लिया हुआ है ये वाला सॉरी कोई एमटीडी लिया मैंने ये देखो सेम ही आएगा जैसे YTD और QTD में मंथ्स का कम्युलेशन होता है वैसे मंथ टू डेट में डेज का कम्युलेशन होगा और डेज में यहाँ पे है ही नहीं मैं डेज हायरार्की में ऐड ही नहीं किया हूं इसलिए वो मंथ टू डेट का सेम ही दिखाएगा जब मैं डेज यहां पे ऐड करूंगा लेट्स से मैंने इसको निकाल दिया और डेज ऐड करता हूं यहां पे जैसे देखो अभी डे है इसमें तो ये देखो मंथ टू डेट फिर कम्युनिटी दिखेगा तब आप बोल सकते हो कि जैसे 10 जनवरी तक मेरा कम्युनिटी कितना सेल हुआ राइट यस सर अभी क्लियर है किसी को किसी को डाउट इसमें ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको YTD टोटल YTD QTD MTD इसमें डिफरेंस क्या है आपको ये उनको प्रॉपरली समझाते आना होगा मतलब आपको समझाना पड़ेगा उनको इसलिए पहले खुद समझो कि ये क्या है इतना ज़्यादा कुछ कंसेप्ट क्लियर है एक बार समझ गए तो फिर आपको रिमेम्बर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस थोड़ा सा सोचो ध्यान से इसके ऊपर जितना एक्सप्लेन मैंने किया है उसको थोड़ा सोचो उसके ऊपर ये क्लियर है यस सर ठीक है और थोड़े एक दो मेजर है वो देख लेते हैं जैसे हमने ये अभी टोटल YTD MTD और QTD ये मेजर्स इस फंक्शंस को यूज किया कैलकुलेट करने के लिए वैसे हमारे पास जैसे डेट एड फंक्शन था वैसे डेट QTD डेट YTD और डेट MTD फंक्शंस भी है जैसे YTD रेवेन्यू है तो उसको निकालने के लिए दो वे है एक वे में ये टोटल YTD फंक्शंस यूज करके निकाल सकता हूँ अदर वे है जैसे एक नया मेजर बनाते हैं उसको नाम देते हैं YTD रेवेन्यू यूजिंग डेट YTD ये डेट YTD एक फंक्शन है तो डेट YTD जैसे डेट एड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ा था तो सेम डेट YTD डेट QTD डेट MTD के लिए भी कैलकुलेट फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो आर फिल्टर फंक्शंस सेम वे एक्सप्रेशन रहेगा हमारा टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे फिल्टर हम ऐड कर रहे हैं डेट्स YTD देखो ये यहाँ पे डेट्स YTD इस डेट्स YTD में वो मुझे पूछेगा कौन सी डेट तो मुझे बोल रहा हूँ मैं कैलेंडर टेबल की डेट और इंटर कर रहा हूं और यहां पे जैसे एक मैट्रिक्स टेबल ले रहा हूं मैं उस टेबल में लेट्स से डेट की वैल्यू पुट करते हैं अगेन फॉर मंथ लेवल तक और ये जो YTD रेवेन्यू था पुराना वाला मेजर अपना YTD रेवेन्यू वाला सी YTD रेवेन्यू जो हमने टोटल YTD से कैलकुलेट किया हुआ है ये रेवेन्यू टोटल YTD फंक्शन से और नीचे वाला जो है वो नया अभी जो डेट YTD फंक्शन से कैलकुलेट किया हो उसको भी लेते हैं इसके साइड में इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या सर एक बार सर कैलकुलेटर वाला फंक्शन फर्स्ट पर से बताइए दिखाइए सर हमने करा क्या उसमें
जो आपने मेजर बनाया उसमें जैसे अपन ने डेट ऐड का फंक्शन यूज किया था प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करने के लिए, सेम वे से कैलकुलेट फंक्शन में अपन टोटल रेवेन्यू डाला है और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेट ऐड हमने डेट्स वाईटीडी फंक्शन यूज किया हुआ है। ओके सर। ओके सो टोटल वाईटीडी जो है उसको निकालने के लिए दो वे है। एक वे है डायरेक्टली टोटल वाईटीडी फंक्शन यूज करो, अदरवाइज कैलकुलेट के अंदर फिर डेट्स वाईटीडी फंक्शन को यूज करो। दोनों सेम है सर, दोनों आपको सेम आउटपुट देंगे। तो एक सवाल उठता है, अगर दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं तो दो फंक्शन बनाए क्यों? करेक्ट, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि मुझे अगर टोटल वाईटीडी से भी वही आंसर आना है और ये डेट्स वाईटीडी से भी वही आंसर आना है तो फिर कंफ्यूजन क्यों बढ़ाया, दो बनाए क्यों फंक्शंस? राइट, यही सवाल आता होगा ना मन में। यस राइट, यस सर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो फंक्शन वाईटीडी था ये डायरेक्टली टोटल वाईटीडी से स्टार्ट होता है, ये किसी कैलकुलेट के अंदर नहीं है, बराबर। और जो सेकंड फंक्शन है वो कैलकुलेट्स के अंदर है। अगर मेरा कोई फंक्शन कैलकुलेट के अंदर है तो मैं उस पर फिल्टर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने कॉमा किया, देखो ये फिल्टर टू है, जैसे कैलकुलेट के अंदर अपन फिल्टर यूज करते थे ना, किसी कैटेगरी के ऊपर फिल्टर किया, किसी ईयर के ऊपर फिल्टर किया, तो वैसे यहाँ पे मैं और मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकता हूँ, समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया कि लेट्स से कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू बाइक्स और ये क्लोज कर दिया, तो ये जो ये वाईटीडी रेवेन्यू जो है ना ये मुझे फिर कैसे आउटपुट देगा? ये उस बाइक के लिए देगा। मैं स्पेलिंग देखता हूँ बराबर क्या है, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि वाईटीडी रेवेन्यू के अंदर आप फिल्टर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो डेट्स वाईटीडी फंक्शन है वो एज अ फिल्टर फंक्शन है, तो आप और वो कैलकुलेट के साथ आता है, वो सेपरेटली इंडिविजुअली नहीं आता। डेट्स वाईटीडी यूज करना रहेगा तो कैलकुलेट ही यूज करके उसको यूज करना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेट यूज किया हुआ है तो और मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट वैसा वाईटीडी रेवेन्यू में नहीं है। वाईटीडी रेवेन्यू में एक इंडिविजुअल फंक्शन है, उसमें बस आपको जो वहाँ पे जैसे टोटल रेवेन्यू और कैलेंडर की डेट, ये दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए, वो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देगा, बट और फिल्टर आप ऐड नहीं कर पाओगे इसमें। सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन टोटल वाईटीडी एंड डेट्स वाईटीडी। आपको ये पूछते हैं एग्जाम में या इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वाईटीडी एंड डेट्स वाईटीडी फंक्शन, तो डिफरेंस क्या है? टोटल वाईटीडी फंक्शंस डज नॉट केम विद कैलकुलेट फंक्शन, बट वाईटीडी डेट्स वाईटीडी फंक्शंस ऑलवेज केम विद कैलकुलेट। सो एज इट केम्स विद कैलकुलेट वी कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स इन द डैक्स और मेजर्स, यही मेन डिफरेंस है, यही आपको बताना होगा। क्लियर है, समझ गए? यस सर। ओके, तो जैसे आपके लिए टास्क ये रहेगा, ये तो मेजर्स बनाने ही पड़ेंगे आपको। अदर जो मेजर है जैसे कि वाईटीडी का हमने यूजिंग डेट्स वाईटीडी कैलकुलेट किया, वैसे एमटीडी और क्यूटीडी के लिए आपको डेट्स क्यूटीडी और डेट्स एमटीडी करके आपको बनाने पड़ेंगे। ये बनाओ आप मेजर, ठीक है? तो इन शॉर्ट आपको फिर ये वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी के तीन मेजर, डेट्स एमटीडी डेट्स क्यूटीडी और डेट्स वाईटीडी, इसके तीन मेजर, ऐसे छह मेजर बनाने हैं। मैं मंडे के लेक्चर को किसी की भी स्क्रीन देखूंगा, शेयर करने के लिए बोलूंगा स्क्रीन, मुझे यहां तक चाहिए वो।
ये फर्स्ट पेज जो है वो डेवलप होना चाहिए, और ये जितने मेजर्स हमने बनाए ये सारे मेजर्स प्लस वो 6 मेजर चाहिए। सर आप सर एक बार वीडियोस प्रोवाइड करा दीजिए सर, वीडियोस नहीं मिल रही है सर, दिक्कत आ रही है जैसे कल वाली के लिए। मैंने वीडियोस जो है वीडियो रिकॉर्डेड मैंने ऑलरेडी नवनाथ सर को शेयर कर चुका हूँ, उनको मैंने मैसेज भी पास किया है आपका कि रिकॉर्डेड वीडियोस मांग रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर डाल दिया सर, आप ही डाल दीजिए ना सर अपने चैनल पे, और सर प्राइवेट सर पावर बी आयचं सातवं लेक्चर जे आहे ना सर ते डाऊनलोड नव्हते होते, म्हणजे दाखव शो नाही होते, मी तसा मेसेज पण शूट केलेला आहे व्हॉट्सअपला बट रिप्लाय नाही आला तिकडं, हो म्हणजे युट्यूबला शो नाही होते का? नाही सर काय मला वाटतं आय थिंक त्या लेक्चर मध्ये आय थिंक ती जी फॉर्मॅट आहे ना व्हिडिओची त्याच्यात काहीतरी इशू होता, सो त्यांनी ते लेक्चर जे होतं ते व्हॉट्सअपला टाकलं होतं ना त्याची लिंक डाऊनलोडिंग सेपरेट, शो नाही झाला सर त्याच्यामुळे। सर रिसेंड करू शकता सर? तर माझ्याकडे ती लिंक नाही आहे, मला तो यांच्याकडे असेल ती नवनाथ शेअर करायला सांगितलं। ओके ठीक आहे सर, ते एक हवा होतो आणि एक चौथा लेक्चर हवा होता सर, युट्यूबवर ना ते पण नाही डाऊनलोड होते चौथं। आय डोंट नो की ती प्रायव्हसी सेटिंग मुळे डाऊनलोड वगैरे त्यांनी काही सेटिंग्स वगैरे केली असेल त्यामुळे सर इशू येते सर। आणि माझा एक असा क्वेश्चन होता, आता तुम्ही जे लेक्चर टाकतात ना सर त्याच्या खाली तो मेन्शन करायला विसरू नका सर की डे वन हाय डे टू आहे, म्हणजे काही व्हिडिओच्या मध्ये असं आहे सर की त्याच्यामध्ये डे किती आहे ते त्याचे ते समजत नाही सर असं। नाही आपण तर सगळे व्हिडिओ मी डे च्या नावाने टाकतोय की डे वन डे ट्वेल्व, आता आय थिंक डे आजचा 14 डे आहे, डे 14 हा बरोबर सर, आता 13 पण अजूनपर्यंत व्हिडिओ शूट झालेलं नाही सर। मी त्यांना शेअर केलेले व्हिडिओ, म्हणजे इव्हन आपलं लेक्चर संपलं की मी लगेच त्यांना शेअर करतो,